हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो देखो, आज हम लोग एक इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। सब मुझसे पूछते रहते थे, सर एनसीईआरटी बायो पढ़े कैसे। सब तो बोलते हैं भाई एनसीईआरटी पढ़ना है। इतना तो होता था ना कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। तो अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ताकि हम बायो में जो हमारा डिजायर टारगेट था 360 में 360 कैसे लाएं। तो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। और हम लोग आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम बायो में 360 कैसे लाएं और एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें ताकि हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा। मैं हमेशा अपने एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की बात करता था कि आप एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कैसे पढ़ते हो या हम एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी अभी देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाना है, कैसे आप अपने नोट्स बाइफर्केट कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों एकदम ट्यून इन रहना और बिल्कुल आज जो भी डाउट हो फिर आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो जैसा कि आपने मुझे कॉमेंट्स किया था या मैसेज किया था उसके हिसाब से मैंने आज ये टॉपिक बनाया है आपके लिए। ठीक है बच्चों, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी बच्चों, और मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी अच्छा स्कोर करें, मुझसे भी अच्छा रैंक लाएं। और आपको यहाँ पे एक वही ऑप्शन मिल रहा है बच्चों। देखो, सपोज मेरी रैंक 416 है, मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की थी मैं वही स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, मैं वही सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए ताकि आप नीट में, बायो में 360 में 360 ला पाए। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा हमारा बायो के लेक्चर का यही है कि हमें बायो में 360 में 360 चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये करें, कैसे हम लेक्चर को प्रोसीड करें, या इस पूरे साल को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हम नीट 2020 और एम्स 2020 में बायो में बहुत अच्छा कर पाए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा अभी, तो हम बायो में बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो मेरी यहाँ जो क्लासेस होती है बच्चों, यहाँ पे मेरी क्लासेस रोज सुबह होती हैं 9 से 11 बजे। और पहले तो मैं दोनों अलग अलग लेक्चर ले रहा था, फिर आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर दो अलग अलग लेक्चर मत लो, आप एक लेक्चर लो और कुछ क्वेश्चन करा दो। तो आपके लिए देखो, जैसा आप बोल रहे हो, जिस तरह से आपको कन्वीनियंस हो, हम उसी हिसाब से आपके लिए लेक्चर डिफाइन करके ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। सपोज हम एक घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, 9 to 10 एक आवर का लेक्चर ले रहे हैं, और उस लेक्चर पे हम क्विज कर लेंगे ताकि आपको क्या हो बच्चों कि आपको तभी के तभी समझ में आ जाएगा कि कितना लेक्चर का समझ में आया। उसी पढ़ाए हुए टॉपिक का हम क्विज कर लेंगे तो आपको तभी के तभी समझ में आ जाएगा कि कितना आपको समझ में आया मेरे लेक्चर का या क्या पढ़ाया हुआ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं या जो प्रोबेबल है आने वाले, हम वो क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों आप ट्यून इन रहना। मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास रोज सुबह 9 से 11 बजे होती है। मंडे टू सैटरडे रोज सुबह 9 से 11 बजे मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। उसी स्ट्रैटेजी को हम पूरे साल लेके चलेंगे और आपका ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं डालना पड़ेगा और कम टाइम में आपको उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, मैं अपनी बात की स्टार्ट ऐसे करने वाला हूं बच्चों कि मेरे एक, जब मुझे जूलॉजी पढ़ना था तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां पे एक टीचर पढ़ाते थे, मैं अभी बहुत हमली उनका नाम ले सकता हूं, डॉक्टर गगन वोरा नाम था उनका। ही वॉज अ वेरी 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 रेप्यूटेड टीचर, एंड उनके लेक्चर्स में बहुत बहुत क्लियर यही बात होता था। वो मुझसे हमेशा कहते थे, बेटा क्या नहीं पढ़ना जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रैदर देन क्या पढ़ना। रिमेंबर, इट इज अ कॉम्पिटिशन, आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आपको क्या नहीं पढ़ना है रैदर देन क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, एक सिलेबस डिफाइन है आपका, ये आपका इतना सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को इतना बड़ा पाइल बनाओगे और जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो इतना ही पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा कि इस छोटे से पाइल में वो प्रिसीजन हासिल कर लेगा, आप वो काम नहीं कर पाओगे। आपका कॉम्पिटिटर क्या किया, कॉम्पिटिटर जो है आपका वो प्रिसीजन हासिल कर लिया, बट आप क्या है कि एकदम इलाबोरेट पढ़ाई कर रहे हो और आप एक तो टाइम भी ज्यादा दे रहे हो बट आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चे हमको सबसे पहला जो है, वी हैव टू नो आवर सिलेबस। हमेशा याद रखो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और क्या
नहीं पता होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको सिलेबस जानना है आपका, तो वही इसी के को लेके हम आए हैं। मैं बायो का बात करूंगा आपको कि बायो में सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, आप कैसे बता रहे हो कि ये नहीं आ सकता। अच्छा सिर्फ एनसीईआरटी से आता है ये भी नहीं है, एनसीईआरटी से एक दो लाइन बाहर से आता है क्वेश्चन, अगर हम कह रहे हैं चल नीट में तो अब तो प्योरली एनसीईआरटी से आता है, बट एम्स में तो कुछ क्वेश्चन बाहर से आ सकता है ना, हम एम्स तो छोड़ नहीं सकते। तो हम जो अगर कह रहे हैं कि सर क्या एग्जैक्टली पढ़े, कैसे पता चलेगा, अब ट्रूमेन कितनी मोटी किताब है और एनसीईआरटी इतनी पतली किताब है, उन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे होगा, किस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़े। बेटा देखो कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे कवर ऑल द बेसिस और बहुत ज्यादा इलेबोरेट होता है, उतना डेटा आप कंपाइल करके नहीं रख सकते हो अपने पास, ठीक है। प्लस अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप एक मीडियोकर स्टूडेंट की तरह रह जाओगे, मतलब आप यू विल बी एबल टू सॉल्व 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चन, इसमें कोई जोर नहीं है, आप 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट इससे काम नहीं चलेगा। आपका गलती से सिलेक्शन हो भी जाए बट आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, हम यहां बात कर रहे हैं टॉप 500 रैंक में लाने के लिए, तो हमें ये 80 to 85% से काम नहीं चलेगा बच्चों। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे फुल चाहिए, यहां पे या तो हमको 99% चाहिए या तो हमको 100% चाहिए। अगर ये 99% आ रहा है तो यू हैव टू इंश्योर कि इतना 99% से ऊपर किसी और को नहीं आया है, रिमेंबर इट इज अ कॉम्पिटिशन। मेरा जो टॉप स्कोर है 360 आया है अगर मुझे, तो मेरे जैसे और बच्चों का आया होगा 360, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे चल जाएगा, बट हाईएस्ट पीक पे हमें रहना है बच्चों, मतलब मेरा मार्क्स सबसे हाईएस्ट होना चाहिए बायो की अगर हम बात करें तो। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो याद रखो वो किसी और से भी नहीं बनेगा। तो वैसा हमें एक नोट्स प्रिपेयर करना है, वैसा हमें एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है अपने लिए, और ये नहीं कि हम नोट्स लिख रहे हैं कलर पेन से एकदम लंबा चौड़ा कहानी, नहीं करना है ऐसा। एक कन्फाइंड पैकेज, मतलब अगर सपोज मान लो एक चैप्टर एनसीईआरटी में 8 पेज का है तो मेरा नोट्स 9 साढ़े 9 पेज से ज्यादा का नहीं होगा। तो क्या स्ट्रेटेजी, हम कैसे वो नोट्स बनाए, ठीक है। मैं तो उसको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट करता हूं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है, बट स्टिल अगर आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यहां पे, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो उनको ये पता करना है कि कैसे पढ़े हम, कैसे ये नोट्स बनाए। तो उसके लिए एक सिंपल ये फ्लो चार्ट देखो बच्चों, फ्लो चार्ट क्या फ्लो चार्ट है, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करोगे। मैं अभी एक एक पॉइंट आपको इलस्ट्रेट करूंगा डिटेल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट अच्छे से लिखा हुआ है आप उसको मार्क करोगे और लैंग्वेज चेंज किए बिना मार्क करोगे। एनसीईआरटी के लैंग्वेज के हिसाब से आपको कोई छेड़खानी नहीं है, जो चीज एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दिया है, और कोई क्वेश्चन होता है ना तो क्या होता है एनसीईआरटी का कुछ चीज छिपा हुआ रहता है अंदर, तो उस छिपा हुआ चीज को आपको निकाल के उभार के बड़ा बोल्ड करके रखना है ताकि आपको रिवीजन के टाइम में वो क्लियरली दिखे। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, मतलब समझो एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसको पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्या करना है आपको, जो कॉन्टेंट आउटसाइड एनसीईआरटी, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या कॉन्टेंट आउटसाइड एनसीईआरटी है, हमको कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो एग्जैक्टली क्या एनसीईआरटी में या एग्जैक्टली क्या एनसीईआरटी के बाहर है, क्या मेरे सिलेबस में क्या मेरे सिलेबस में नहीं है, इसके लिए बच्चों मैं बैठा हूं, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली अभी समझा दूंगा, फिर आप भी एसेस कर पाओगे, नहीं सर ये तो सिलेबस के बाहर है, ये तो टीचर ने ऐसे पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई नहीं सर सही बोल रहे हैं कि यही मेरा सिलेबस है और इतना ही मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कंटेंट क्या एनसीईआरटी के बाहर है, एनसीईआरटी का टेक्निकली वो बाहर होता नहीं है, ठीक है। अभी हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे क्या एनसीईआरटी के बाहर है क्या एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडली कोई भी मैकेनिज्म हो तो मैकेनिज्म आप हमेशा फ्लो चार्ट में याद करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर मान लो हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म देखे, तो रेनिन जेजी सेल से रिलीज हुआ तो ऐसे डाल दे, जेजी सेल डालो, जेजी सेल से रेनिन डालो, वैसे करके एक फ्लो चार्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से आपको कोई भी चीज ऐसे होता है सर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ये हो गया, तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो जाता है और वो फ्लो चार्ट वैसे काम करता है, ठीक। सेकेंडली माइंड मैप्स, अब ये माइंड मैप्स फ्लो चार्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बट अगर आपको माइंड मैप चाहिए तो माइंड मैप आपको रेडीमेड बहुत सारे पब्लिशर्स है जिनका रेडीमेड माइंड मैप मिल जाता है, बट अगर आप अपना कुछ भी बनाते हो, देखो किसी और का नोट्स पढ़ोगे तो वो फील नहीं आएगा,
अपना नोट्स पढ़ोगे तो तुमको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ पे क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है और कितना करना है। तो उसी हिसाब से आप प्लान करें बच्चों, तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो माइंड मैप इट इज अप टू योर चॉइस, इस पे कंडीशन अप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, फिर आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डाल के वो अपनी एनसीईआरटी की किताब में चिपका लेंगे और वो मेरा एक कंप्लीटेड पाइल्ड अप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स। अभी पिछले साल एक भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, बट जो एनटीए का बेसिक ट्रेंड है, जो एनटीए क्वेश्चन बनाती है, जो नीट पीजी के लिए भी क्वेश्चन बनाती है एनसीईआरटी, तो उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग जब एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे नीट पीजी का और एम्स का, तो उसमें इमेज बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आई एम प्रेडिक्टिंग कि इस साल से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, तो आपको अब एनसीईआरटी में तो चलो कलर डायग्राम में बहुत साफ साफ दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है, बट पंगा क्या होगा ना, अब ये जो क्वेश्चन पेपर देंगे आपको, क्वेश्चन पेपर में कलर डायग्राम नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर में कैसा होगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होगा और आपको दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डायग्राम्स हैं मेरे, बहुत इंस्टीट्यूट की किताब आती है डायग्राम की, आप या तो वो ले लो, रेडीमेड आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई भी डायग्राम है उस डायग्राम का आप जेरॉक्स करा लो, जितने डायग्राम उसका जेरॉक्स करा लो। ठीक है, और उस पर वो हटा लो, जो लेबल्ड पार्ट है वो हटा लो, लेबलिंग करने ही आ सकता है, बनाने तो आएगा नहीं, तो लेबलिंग करने क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे, तो ये डायग्राम्स का लिए आप एक अलग स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, तो ऐसे आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। ठीक, एक और चीज में ऐड कर लो जो मैंने डाला नहीं, कि अगर आपको जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, सपोज आप पढ़ रहे हो कोई चीज, तो क्या हो रहा है, आप मन में पढ़ते हो जनरली, एक काम करो मेरे लिए, आप क्या करो कि आप एक बार रीडिंग जोर से मार दो एनसीईआरटी की। ठीक है, और जो लाइन आपको ज्यादा पढ़ना है उसको दो बार रिपीट कर दो, तीन बार रिपीट कर दो और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर दो। इसको मैं कहता हूं एनसीईआरटी पॉडकास्ट, ये आपके बहुत काम आएगा बच्चों। क्या होता है कि अब हमें पढ़ने का उतना मन नहीं करता, मान लो मुझे तो नहीं करता था, आप लोग अगर स्मार्ट हो तो आप लोगों को पढ़ने का मन करता होगा, मुझे तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं इसी तरह का यूज करता था टूल्स। मैंने क्या किया कि भाई अब जब सोने जा रहा हूं, सपोज अब मुझे सोना है, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एनसीईआरटी लगा दिया, आज चैप्टर नंबर वन है, हर दिन एक एक चैप्टर का लगा दिए, एक चैप्टर का अगर एनसीईआरटी मतलब पॉडकास्ट बनाते हैं तो ये 18 से 20 मिनट का होता है, एक तो बोरिंग होता है और दूसरा क्या होता है कि नींद आ जाती है इससे। तो सपोज रात में सोते टाइम ये 18 से 20 मिनट का जो मेरा टॉपिक है इसको मैंने सुन लिया, सुना कोई बात नहीं, 10% जाएगा मेरे दिमाग में, अगले दिन फिर ऐसे आएगा। तो अगर मान लो 40 चैप्टर है, रोज हम एक चैप्टर का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ऐसे वी कैन डू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स, राइट। हम लोग रोज अगर एक ही चैप्टर देख रहे हैं, चलो ज्यादा नहीं देख रहे हैं, तो हम 10 बार तो सुन के रिवीजन कर लिए, बाकी जो पढ़ के कर रहे हैं कर ही रहे। तो मतलब एनसीईआरटी का ना चप्पा चप्पा आपको बताऊंगा, अरे ये वाला लाइन पढ़ोगे तो दिमाग में, सबकॉन्शियस आपके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, तो इट इज अ ग्रेट हेल्प। अगर रेडीमेड एनसीईआरटी पोस्टकार्ड यूट्यूब पे मिल जाती तो ले लो, नहीं मिलती तो अपने हिसाब से बना लो, ज्यादा टाइम लगता नहीं, एनसीईआरटी पढ़ी जाओ ना, दैट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके फोन में डायरेक्टली में रख लो और आपके काम आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप में ये सारा पॉइंट होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, ये अलग सेक्टर हो गया, ये अलग हिसाब किताब हो गया इसका, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास बच्चों होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक एनसीईआरटी का इलस्ट्रेटेड नोट्स बन जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके दिखाता हूं कि कैसे हम कैसा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एनसीईआरटी में, देखो अब जो ट्रेंड है आपका, जो क्वेश्चन आता है कुछ भी लाइन उठा के दे देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में सब कुछ सही लिखा है, लेकिन उस पर अभी हमको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जैसे स्क्रिटी सिस्टम में लिखा है कि अगर फॉल इन जीएफआर होता है तो जो जीजी सेल है मेरा वो जीएफआर बढ़ाता है, एक्चुअली अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इट इज द अदर वे राउंड, कॉलेज जाओगे तो फिर प्रोफेसर तुमको बताएंगे क्या पढ़ के आओ तुम, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एक चीज कान खोल के सुन लो, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो सही है, अपडेटेड एनसीईआरटी में, याद रखना,
जो भी अपडेटेड एनसीईआरटी में लिखा है, कोई भी टीचर कुछ भी बोले वो गलत है, जो भी अपडेटेड एनसीईआरटी में लिखा है एटलीस्ट फॉर दिस ईयर वो सही है। ठीक है, इस पे दिमाग लगाना ही नहीं, सर इस किताब में तो ये दिया हुआ है, इस किताब में तो ऐसे दिया हुआ है, नहीं लगाना दिमाग। अपडेटेड एनसीईआरटी में जो भी कॉन्टेंट है ये कॉन्टेंट मेरा सही है, और अभी कम से कम एक साल के लिए हमको इसी कॉन्टेंट पे रिलाई करना है, कोई इस पे बहस करना ही नहीं है, नहीं लगाना दिमाग। मतलब हाँ ठीक है मैकेनिज्म गलत है, ये कैसे हो सकता है, हम लोगों को ये कभी कभी बहुत वियर्ड लग जाता है, बट डाउन द टाइम वी हैव लर्नड दैट फैक्ट कि चलो कोई भी कंटेंट जो एनसीईआरटी में दिया है वो ठीक है, हम कर लेंगे उससे काम। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत रेलिवेंट जो पॉइंट होगा एनसीईआरटी का उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, कभी कभी एकदम इरेलीवेंट सा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कि ऐसे था कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेच रिसेप्टर हट गया तो क्या होगा, मैच्योरेशन होगा मैच्योरेशन नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और वही सेम लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया रहता है, उसका पार्ट वन क्वेश्चन बन जाता है, पार्ट टू आंसर बन जाता है, और एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब भी हम पॉइंटर्स बनाएंगे वी वॉन्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, जब भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएंगे नो चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी, नो चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी, हमेशा इस बात का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज का देखो स्पेलिंग क्या करने है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये एज इट इज, बट आप पॉइंट्स के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं या एनसीईआरटी के साइड में ही लिख लीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। आप लोग की अगर मेमोरी शार्प है, मुझे सब कुछ लिख के याद करना ज्यादा अच्छा लगता था, मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी तो मैं ज्यादा लिखता था। ठीक है, मुझे कुछ भी, क्योंकि क्या होता था डिस्ट्रैक्शन होता है, सपोज बहुत लोगों के, तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे, मेरा जब ये टाइम था 11th 12th का, तो मैं 11th में तो बहुत अच्छी पढ़ाई की मैंने, जब 12th का इनिशियल टाइम था तब मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गया था दोस्तों के कारण ये वो, तो अब फिर क्या होता है कि अब 2 महीने मेरा ब्रेक हो गया, 2 महीने में मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो अब मैंने क्या किया कि अब कॉन्सेंट्रेशन बनता ही नहीं था, आप लिख पढ़ रहे हो रीडिंग मारते मारते मेरा दिमाग कहीं चला गया, किसी मैच पे, किसी उसके बारे में, किसी और के बारे में सोचने लगा, तो इससे क्या होता था डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने क्या किया, चलो कोई बात नहीं दिमाग जाएगा ना इधर, कैसे जाएगा, मैंने आई यूज ऑल माई सेंस ऑर्गन्स, तो मैं क्या करता था, तीनों सेंस ऑर्गन यूज करता था मैं, अपना आंख कान और बोलने वाला। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा होता था तो जो पॉइंटर्स बनाता था तो मैं उस पॉइंटर्स को बोलता भी था, उसको लिखता भी था और देख तो रहा हूं, तो उससे क्या हो गया था मेरा धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन बन गया। जो बच्चे देखो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, जिनका पढ़ने का थोड़ा रह गया कि नहीं पढ़ पा रहे अभी, तो यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन दैट एंड दिस विल हेल्प, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स डू अ स्टार्ट, क्विक स्टार्ट तो करें, उसके बाद आगे हम लीप ले लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तो क्या करो, कभी भी अगर लगे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी भी लगे कि नींद आ रहा है, कभी भी लगे यार प्लान करना बहुत बोरिंग है, पढ़ रहे हैं पीछे का लग रहा है भूल जा रहे हैं, ठीक है, तो यू स्टार्ट राइटिंग इट पॉइंट वाइज, तो इससे आपका एक नोट्स का नोट बन गया और एक कॉन्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग स्मार्ट है पढ़ लेते हो तो आप एनसीईआरटी के बगल में ही पॉइंट वन पॉइंट टू करके लिख लो तो आपका काम चल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बैठ के नोट्स ही बनाओ, बट जनरली आप जितने भी टॉपर्स देखे होंगे सबके नोट्स होते हैं अपने। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का नोट नहीं पड़ता, किसी भी टॉपर का आप देखना वीडियो, बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं बट उन्होंने सबने एनसीईआरटी का अपना नोट्स बनाया है। ठीक है, मैं अभी अपना आपको अपना भी नोट दिखाऊंगा, मैं कैसे पढ़ता था, किस सीक्वेंस में ये बताता था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हुआ बच्चों, लास्ट तक आप देखना। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज मान लो मैंने ये एक सिटी सिस्टम का एक ये उठा लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंटर्स बन जाएंगे आप लोगों को दिख रहा है ये, तो पहला पॉइंटर क्या बन जाएगा कि इन क्या लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दी स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वेयर इज वर्टिब्रेट्स दे हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म्स। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में जो है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन का होगा और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होगा। ठीक, फिर आगे अब मेरा क्या क्या है, तो पहला प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स कहां कहां है, तो प्लैटीहेलमिंथस में होगा, प्लेनेरिया में हो गया, एनिलिड्स में हो गया और सिफेलोकॉर्डेट एम्फियोक्सस में हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, और उसके बाद हम यहां पे 1 2 3 4 जिसमें है वो काम ली। ठीक है, और इसमें फंक्शन यहां पे बस लिख देंगे क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है,
तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड आयोनिक बैलेंस इसका फंक्शन हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, आयोनिक बैलेंस एंड ऑस्मो रेगुलेशन। आया समझ में? तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे बच्चों, इस तरह से हम पूरा का पूरा कैसे काम करता है ये देखेंगे। ठीक, तो ऐसे हो गया। अब जैसे यहां ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस एंड पॉन, मेलफिजियन टिब्यूल कॉकरोच, एनेलिडा, तो ऐसे करके ये कंटेंट को हम ऐसे या तो साइड में लिख लो, या फिर क्या है कि यहां पे पॉइंट वन लगा दो, यहां पे पॉइंट टू लगा दो, यहां पे पॉइंट थ्री लगा दो, और अलग अलग कलर से हाईलाइट करो। देखो ऐसे तो तुम जब हाईलाइट करने जाओगे तो पूरी एनसीईआरटी कलर हो जाएगी, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है, बट इसमें जो कीवर्ड्स है, कल को जब तुम आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन ऐसे नहीं करोगे ना कि पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ रहे हो या पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, तो हमको एक ओवरव्यू देखना है, तो ग्लिम्स देखना है, तो हम कीवर्ड या तो साइड में लिख लो या तो कीवर्ड किसी और कलर के पेन से अंडरलाइन कर दो। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाएगा हर टॉपिक का, आप इस हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना सकते हो। आया समझ में बात मेरी? पक्का? कोई दिक्कत हो तो आप पूछना, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका जैसे इस तरह से आप इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आप नोट्स बनाते भी हो। एनसीईआरटी में कितना, 8 से 10 पेज का एक चैप्टर है, एक चैप्टर का अगर आप एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाते हो आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। मैं रोज बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या लगेंगे, मुझे 1 घंटे लगते हैं, आपको 2 घंटे लग जाएंगे, बहुत हो गया हाथ से हाथ तो। ठीक है, बट आपका वो वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। सोचो आपके पास कन्फाइंड डेटा, आप इधर जमुआ सर मुझे नोट नहीं मिला, ये नहीं मिला, किस इंस्टीट्यूट का पढ़ू, एलएन का पढ़ू, आकाश का पढ़ू, क्यों पढ़ोगे एलएन आकाश का, अपना नोट्स पढ़ो, किसी का नहीं पढ़ने की जरूरत है। आकाश में भी बहुत ज्यादा है, एलएन में भी बहुत ज्यादा, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, बट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई एक परफेक्ट नोट नहीं है कि इतना ही इसका कन्फाइंड है या इतना ही जाए, हर इंस्टीट्यूट के नोट्स में बहुत ज्यादा है। आप उस टाइम को बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगाओ, क्यों बायो में इतना मेहनत करना है ना, इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वो आराम से हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे मैं बोलता हूं, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखो। तो अब जैसे जैसे देखो मैंने क्या किया, तो अब आगे मैंने बताया था अमोनोटेलिक, जैसे यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक एक सेकंड बच्चों, जैसे मैंने देखा था सॉरी हाँ जैसे मैंने देखा था यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। तो अब कैसे करते हैं हम इसको, तो अब देखो जैसे सपोज यहां पे ये है, तो जैसे अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म मैंने क्या किया, अमोनोटेलिक एक ऑर्गेनिज्म लिख दिया। ठीक, कहां कहां हो रहा है, तो एक्वाटिक एनिमल में होगा, साइकॉन हाइड्रा टेपवॉर्म सैलमेंडर, अर्थवॉर्म में दोनों अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक होगा, अर्थवॉर्म में दोनों अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हो। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया हो गया, कहां, तो लिवर में होता है थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल सिर्फ मेंशनड है, ऑर्निथिन साइकिल एक्सप्लेन्ड नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में ऑर्निथिन साइकिल का अगर नाम दिया है तो वो आपके सिलेबस में हो गया टेक्निकली, तो वो मेरे सेकेंड टॉपिक में आ जाएगा, कॉन्टेंट आउटसाइड एनसीईआरटी क्या होगा। ठीक, तो ये ऐसे आपको यूरिकोटेलिक, तो इस तरह से आप बच्चों ऐसे बना सकते हो। तो ये क्या होगा, एक पेज आप देखोगे टक 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 टक, 2 मिनट में आपको समझ में आ गया जो भी है, सब इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला जो टॉपिक है मेरा, कॉन्टेंट आउटसाइड एनसीईआरटी कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हम वो देखते हैं कि कैसा आपका कॉन्टेंट होगा एनसीईआरटी के बाहर का। ठीक है, तो पहला चीज, तो एनसीईआरटी के बाहर का कॉन्टेंट कैसा होगा, तो एनसीईआरटी के बाहर का कंटेंट, आप सपोज मान लो कि कुछ चीज है जो एनसीईआरटी में मेंशन है प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज मेरे एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपरली मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे उस चीज के लिए बच्चों, कि हम उसको वर्ड दिया है और मेंशन नहीं है। जैसे सपोज मान लो मेरे दिया हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल कौन से टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है ना, कौन सा सेल होता है बताओ जल्दी कॉमेंट में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पीसीटी जो है मेरा दिख नहीं रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा ना, चलो हाँ कोई नहीं, पीसीटी जो है मेरा वो कौन से टाइप ऑफ सेल का बना होता है जल्दी बताओ, पीसीटी बना होता है मेरा क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, राइट, ब्रश बॉर्डर की वजह एपिथीलियम होता है,
तो उसका बना होता है। तो अब यहां पे क्या है कि मेरा दिया हुआ है पीसीटी के बारे में, एनसीईआरटी में दिया है पीसीटी कि वाटर एपिथेलियम का बना होता है, बट उसके बाद फिर लूप ऑफ हेनले एक्सप्लेन किया, उसके बाद डीसीटी एक्सप्लेन किया, बट उसमें कहीं नहीं लिखा है कि डीसीटी किस चीज का बना है और लूप ऑफ हेनले किस चीज का बना है। लेकिन क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे कि लूप ऑफ हेनले किस चीज का बना है या डीसीटी किससे, एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी वालों ने भूल के नहीं डाला तो इसका मतलब नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा पाइल होगा, ज्यादा नहीं, एक से दो पेज का पाइल होगा जो आपका कंटेंट आउटसाइड एनसीईआरटी बताएगा क्या एनसीईआरटी के बाहर आपको पढ़ना है। ये आपका एक से दो पेज का पाइल होगा जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़े तो देखो, जैसे आप सपोज मान लो मैंने दिया हुआ क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं था, क्रिएटिन क्या करता है या क्रिएटिनिन क्या करता है। क्रिएटिन पता है आपको, क्रिएटिन मसल्स में होता है, फिर क्रिएटिनिन यूरिन में निकलता है, ठीक है, मसल फॉस्फेट जो होता है। तो ये ऐसे मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद टीएमओ ट्राइमिथाइल अमाइड ऑक्साइड ये भी नहीं है, फिर प्यूरिक एसिड ये भी एनसीईआरटी में सिर्फ मेंशन है बट एक्सप्लेन नहीं है। तो इस तरह की चीजें, एलेंटोनिन ये भी एनसीईआरटी में डाला है बट एक्सप्लेन नहीं है। तो इस तरह की चीजें की जैसे बात करें बच्चों, इस तरह की जो चीजें हैं क्या क्या चीज कही, प्योर कैसे बना, तो बस ज्यादा नहीं ऐड किया मैंने, एक एक वर्ड ऐड कर लिया है। देखो सपोज मान लो ये आपके एग्जाम में नहीं भी आएगा, बट ये क्या होगा कि हो सकता है ये ऑप्शन में हो, तो कल को आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों, समझ में आया। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेगा इस तरह का वर्ड। तो अभी मैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कैसे करते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर आप बना लो जो कंटेंट आउटसाइड एनसीईआरटी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो एनसीईआरटी के बगल में जो जगह है, एनसीईआरटी के बगल में जगह होता है ना, ये ऐसे कहां गया, हाँ ये जो जगह है इस पे आप साइड में प्रॉपरली लिख लो, जो भी लिखोगे आपको, आप जो कॉन्टेंट आप नहीं बना रहे हो, ठीक है। चलो तो कंटेंट आउटसाइड एनसीईआरटी ऐसे आप बनाओगे बच्चों, जब कोई प्रॉब्लम है तो बताना बच्चों, जो नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। अगला क्या करना है आपको, जितने मैकेनिज्म्स है उनका फ्लो चार्ट बनाना है, जो भी मैकेनिज्म है, जितने भी मैकेनिज्म है हमारे पास, जैसे सपोज मान लो, अगर मान ले आर्टिफिशियल किडनी, या अभी तो मैं एक्सक्रीशन का ही बात कर रहा हूं क्योंकि एक चैप्टर लेके आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है, या इवोल्यूशन ऑफ मैन, या किसी तरह का कुछ भी चीज है, तो जितना मैकेनिज्म है कि भाई सीक्वेंस जिसका याद करना है उसका फ्लो चार्ट बना लो, एक पेज में आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। मैंने फ्लो चार्ट ऐड किया, देखो जैसे मैंने ऑर्निथिन साइकिल का एक टेबल या फ्लो चार्ट बना लिया था, देखो तो क्या हो रहा है ऑर्निथिन साइकिल का। और इसमें ये नहीं, देखो बिल्कुल भी बेकार का चीज मैंने नहीं डाला, क्या क्या कुछ नहीं, CO2 प्लस NH4 मेरा बना कार्बोमिल फॉस्फेटेस। अब ये कार्बोमिल फॉस्फेटेस क्या हुआ, ये बाइंड कर गया सेट्रोलिन के साथ, उसके बाद फिर यहां पे यहां से फ्यूमरेट वाला कनेक्ट कर जाता है क्रेब्स साइकिल के साथ, और यहां पे मेरा आर्जिनिन से ऑर्निथिन बन गया। तो हमको क्या याद रखना था, यहां पे 2 ATP यहां पे कंजम्पशन हुआ, 1 ATP यहां पे कंजम्पशन हुआ, तो क्या होगा NH4 प्लस CO2 क्या हो गया मेरा अमोनिया बना दिया, अमोनिया में यूटिलाइजेशन ऑफ ATP 3 ATP हो गया। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, कहां होता है लिवर में होता है। ये आपका पूरा एंजाइम क्या क्या है, ऑर्निथेज आर्जिनेज और सेट्रोलिन। और ऐसा नहीं है ऑर्निथेज वाला एंजाइम वाले का नाम एटलीस्ट 2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पोटेंशियल में तो लिखा नहीं है, तो कैसे करोगे। तो ये सब कंटेंट आपको इसमें डालना होगा, और इसको इसके फ्लो चार्ट के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कोई चीज रहता है या सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया देखे हो कितने अच्छे से एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से आपको हमेशा याद होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऊ साइट अगर देखते हैं, वो पूरा जो ऊगोनियम वाला है, जो प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होता है, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। तो फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैकेनिज्म का, जैसे अगर रेनिन एंजियोटेंशन या एल्जेस्ट्रॉन सिस्टम है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है, किसी भी मैकेनिज्म का आप एक सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बना के एनसीईआरटी में चिपका लो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो ये आपके फ्लो चार्ट होते हैं। आते हैं माइंड मैप पे। देखो यार, मुझे माइंड मैप बनाना नहीं आता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है माइंड मैप बनाने में, बट बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्हां पे आपको रेडीमेड माइंड मैप मिल जाता है। तो क्या करना, देखो सब कुछ का जुगाड़ होता है ना, सब कुछ का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। तो क्या करो, किसी भी करो कि किसी का भी जो माइंड मैप है उसको लो, और उस माइंड मैप का क्या करो कि उसमें अब मेरे नोट्स के हिसाब से क्या कंटेंट डालना है, क्या कंटेंट निकालना है, उसको लिख लो। सपोज मान लो
बायोलॉजी टुडे आता है वो एमटीजी वालों का, उसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा एकदम प्रॉपर 2 पेज का माइंड मैप था। अब उस माइंड मैप में मैंने क्या किया कि जो कंटेंट मेरे काम का था मैंने उसको ऐड किया, जो कंटेंट मेरे काम का नहीं था मैंने उसको ओमिट किया, और वो मेरा माइंड मैप हो गया। टाइम कितना लगा? 15 मिनट। तो ऐसे आपको माइंड मैप बनाना है, किसी किताब पब्लिशर का माइंड मैप खरीद लो और उसके बाद फिर क्या करो उसको कस्टमाइज कर दो। कैसे कस्टमाइज? मेरे नोट्स के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कोई भी किताब वाला क्या होता है जरूरत से ज्यादा कंटेंट रहता है, मुझे एक लाइन फालतू नहीं जानना है भाई, दिमाग का इतना स्पेस है और सब चीज दिमाग में डालेंगे, क्यों इतना लोड लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने माइंड मैप्स को, और ये माइंड मैप आपको बहुत रिविजन के टाइम पे काम आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आएगा, तो ये माइंड मैप आपको बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। बच्चों देखो हमेशा मैं यही कह रहा हूं, स्मार्टली पढ़ो, जितना स्मार्टली पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। टाइम बचेगा उस टाइम को यूटिलाइज करो कहीं और अच्छी जगह। अगर हम अभी सिलेक्शन का सोच रहे हैं, अभी हम 600 नंबर का सोच रहे हैं, तो उसी टाइम में मेरे 650 नंबर आएंगे और मेरा टॉप 500 रैंक होगा। कल तुम इंटरव्यू दे रहे होगे, मैं आपको बुला के पूछ रहा हूं, अच्छा सर आप बताइए स्ट्रैटेजी आपका कैसा था, समझे। तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है यार, मतलब घर पे इज्जत बढ़ जाती है जब आपको रैंक आता है। मेरी तो कुछ खास बहुत अच्छी नहीं आई थी, अगर आप टॉप 100 या टॉप 10, टॉप 5, टॉप 50 में आते हो तो सब लोग आपको बड़े इज्जत की नजर होते देखते हैं, सब पहले का पाप जितना होता है सब धुल जाता है। तो ये चीज मतलब यू आई वॉन्ट यू टू हैव दैट फीलिंग, ठीक है। अगर हम 1 साल डेडिकेट हो रहे हैं और आई एम गेटिंग दैट फीलिंग, तो वो सोचो आपके लिए कितना 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 ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आ रही बात समझ मेरी, ठीक है। देखो बच्चों मैं आपसे जो भी शेयर कर रहा हूं वो खुद पे आप बीती शेयर कर रहा हूं, तो आपके लिए वो समझो आप इस बात को कि वो एक स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दे रहा हूं और परोस के बस आपको रख रहा हूं, आपको बस उसको खाना है, ठीक है। तो माइंड मैप्स को आप ऐसा बना लोगे, क्या करोगे आप किसी भी पब्लिशर का माइंड मैप ले लो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, इंटरनेट पे जब फ्री कंटेंट आप देख रहे हो तो फ्री में आपको माइंड मैप भी दुनिया भर का मिल जाएगा, किसी का भी ले लो माइंड मैप, उसको आप कस्टमाइज कर दो। किसी और के माइंड मैप पे रिलाई मत करना, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो और उसको आप यूज करो अपने पढ़ाई के लिए। तो क्या क्या हो गया आपके पास? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। अब आते हैं मेरा जो क्वेश्चन कैसा होगा, डायग्राम्स क्या होगा, फिर क्वेश्चन देगा। डायग्राम्स के लिए आपको क्या करना है बच्चे? डायग्राम्स के लिए जो भी डायग्राम है आपके, डायग्राम में आपको किताबें मिल जाएंगी ऐसा जहां पे एनसीईआरटी का ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है जिसको लेबल्ड नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट, लेबलिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेबलिंग प्रैक्टिस करो, लेबलिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये लेबलिंग प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जहां भी डायग्राम है डायग्राम का आप लेबलिंग प्रैक्टिस करो, और सिर्फ लेबल करने आएगा, बनाने नहीं आएगा। मेरी ड्राइंग देखते होगे तुम लोग क्लास में कैसी होती है, तो कभी भी डायग्राम बनाने नहीं आता, मेडिकल कॉलेज में आता है बनाने, बट अगर आप लेबल सही करते हो तो आपको वहां पे भी नंबर मिल जाता है, ठीक है। मैंने पूछा था, मुझसे मेरे से क्वेश्चन आया था कि मिडिल ईयर कैविटी केनाल का बनाना था, मुझे याद था कि गन टाइप का होता है बट मुझे लेबलिंग याद था, मैंने एक बंदूक बनाया लिटरली और उसको लेबल कर दिया सब कुछ पूरा प्रॉपरली और मुझे उसके मार्क्स मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायग्राम बहुत सुंदर होगा कलरफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम लेबल्ड प्रॉपरली होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पोजिशन पता होना चाहिए, तो वही एनसीईआरटी में आएगा डायग्राम। अब डायरेक्ट ऐसे डायग्राम का नहीं आएगा कि भाई आप लेबल कर दो एबीसीडी बता दो, मैं आपसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, सपोज मान लो दे दिया कि स्पर्म का नेक बता दिया, ठीक है, और नेक में बता दिया कि इसका फंक्शन के साथ, तो आपको पहले डायग्राम भी मिलाना है और उसका फंक्शन भी देखना है। बट अगर आपको डायग्राम नहीं पता होगा और फंक्शन पता भी होगा तो आप लेवल करके कैसे बना पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो आप क्या करना, डायग्राम वाली बुक आती है, बुक ले लो या कहीं भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसका जेरॉक्स करा लो, एक बार एनसीईआरटी पर डायग्राम देखो, उसको पेंसिल से मार्क करो, फिर उसको मिटा लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, फिर उसको पेंसिल से प्रैक्टिस करो। 4 से 5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम सारा सारा डायग्राम का लेवलिंग अगर 5 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपके बैक ऑफ द हेड में वो डायग्राम रहेगा, फिर आप उसको सीक्वेंस से याद रहेगा। कितना गंदा कॉपी प्रिंट कर ले एनटीए वाला और उसको पब्लिश करते, सिर्फ काला काला भी दिखेगा ना तो भी तुमको सीक्वेंस याद रहेगा, पहला का ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये है, चौथा का ये है, पांचवा का ये है, समझ में आ रही बात। तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, और ये मैं बहुत बेयर मिनिमम बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, इसलिए मैं 5 ही रख रहा हूं, नहीं तो मुझे लगता था हम लोग में तो ज्यादा क्वेश्चन आते थे। मतलब इनफैक्ट जब नीट पीजी का एग्जाम होता था तो उसमें क्या होता, साइंटिस्ट का फोटो दे दिया, बताओ आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट पूछ लेते थे,
तो ये सब चीजें हैं, इस सब चीजों को आप ध्यान में रखो और उस हिसाब से आपको डायग्राम्स करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम्स आपको करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आईटी और फिंगर टिप्स। देखो मुझे कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की, आप लोग यूज करते हो, अच्छी किताब है, इसके सिर्फ आंसर गलत होते हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी आईटी और फिंगर टिप्स है लेना, बट इसके आंसर वेरीफाई कर लेना। अगर कोई ऐसा दिक्कत हो कि कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, सर ये इसका सही है या नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि गलत आंसर याद कर लिए। तो अब ये बुक आपको एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स करना है, ठीक, कर लिया क्वेश्चन मैंने इसका। अब मुझे प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कितने साल का करना है भाई? 11 इयर्स का करना है। 10 लोग कहते हैं, 11 शुभ होता है तो 11 कर लो, ठीक है? तो 2008 से 2019 तक, ठीक है? कर लिया मैंने क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बॉन्ड तो हो नहीं तुम लोग, ठीक है? तो अब जो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, सपोज मान लो मुझसे लगभग इसमें एनसीईआरटी टू फिंगर टिप्स में 90 क्वेश्चन था, इसमें मेरा 12 क्वेश्चन नहीं बना। अब ये 12 क्वेश्चन देखो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं। दिया है तो जहां पे वो स्टेटमेंट दिया है वहां पे एक स्टार लगा दो, तो तुमको बाद में रहेगा कि यार इससे ये वाला मुझसे मिस हो गया था, तो ये गड़बड़ कहीं ना कहीं हुआ है, कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, तो ये मुझे याद रहेगा, बाद में मैं रिवाइज करूंगा, ओ शिट आई हैड मिस दैट क्वेश्चन, तो यहां पंगा है, ठीक। दूसरा क्या करना है आपको कि फिंगर टिप जितने क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी में वो कंटेंट नहीं दिया, या कोई अगर मान लो ऑप्शन है, मेरे चार ऑप्शन है, ठीक है, एक सिलेंट्रेटा है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, ठीक है, और सिलेंट्रेटा के बारे में मेरे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट वो ऑप्शन सही आंसर भी नहीं है, तो भी अगर ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, जैसे सपोज आपको मानता है ट्रांसजेनिक, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि ट्रांसजेनिक टोमेटो पे आया था, ठीक है, तो एक्चुअली पूछा था क्वेश्चन कि गोल्डन राइस में क्या होता है, तो गोल्डन राइस का नाम क्या है, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन पूछा था, बट उसमें फ्लेवर सेवर लिखा हुआ था, फ्लेवर सेवर इज अ ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये तो पता नहीं है फ्लेवर सेवर कहा है, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना वो आंसर में था मेरे, बट ऑप्शन में वो वर्ड था, तो हम उसको लिख लेंगे सेफ साइड, समझ में आया? तो सपोज मान लो कि कोई मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, मान लो मेरा ऑप्शन ए सही है, आ गया आंसर मेरा, बट मुझे ऑप्शन टू का मतलब नहीं गूगल मत करना, बहुत अनशंट की होता है, अगर गूगल कर भी रहे तो बहुत रिलायबल सोर्सेस से आप गूगल करना, तो इसका हम आंसर ढूंढेंगे और इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में अपने किताब में लिख लेंगे। तो जितना पॉसिबल चीज बाहर से आ सकता था वो सारे का हमें कैप्सूल बना के, एक निचोड़ बना के एक जगह पे रख लिए, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम सेम चीज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे या जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑप्शन पता नहीं मुझे ये वाला क्या है, तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जान लेंगे, एक लाइन में जानना है। सपोज मान लो कोई भी कॉन्टेंट है, जैसे लैम्बरस क्रोमोजोम है, ठीक है, तो दो लाइन उसके बारे में जान लो, इनफॉर्मोजोम क्या होता है या ये क्या होता है, तो वैसे करके पॉलिटिन क्रोमोजोम है, दो लाइन जान लो, ज्यादा नहीं जानना, बेल्बियानी रिंग है, दो लाइन जान लो, तो वैसे करके कल को ऑप्शन रहेगा तो कल को तुम्हारे बैक ऑफ द हेड रहेगा, देखो वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है ये फैक्ट है, बट कल को यही ऑप्शन एलिमिनेट करने को तुमको आ गया और बैक ऑफ द हेड तुम्हारे ये पता होगा ये वाले तो इसका होता था, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बच्चे हम यहां पे 100% प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे ये नहीं है कि चलो तुक्का, अगर आपको सिर्फ ये दिमाग में कि मुझे बायो में से 300 नंबर लाना है तो ये सब बात कुछ मत सुनो, वीडियो बंद करो और एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम 100% गारंटी है 300 आ जाएगा। बट ये जो 300 से 360 का सफर है, उस सफर की हम बात कर रहे हैं, उस सफर में थोड़ा आपको सफर करना पड़ेगा। कितना गंदा जोक था, खैर छोड़ो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा बच्चों, इस तरह से आपका एक कंपाइल्ड एनसीईआरटी बन जाएगा। इसको हम, मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट भी कहता हूं, जो मैं अपने काम के लिए यूज करता हूं, मैं स्टूडेंट्स को भी देता हूं, मेरे जो प्लस प्लेटफॉर्म चल रहा है वहां पे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैं देता हूं। आया समझ में आपको? तो इससे आपका एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। तो अगर आपको कभी भी कोई क्लास करना है या कुछ करना है तो कैसे करोगे आप क्लास? क्लास जैसे आप मेरी क्लास जैसे, आपको जो भी जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, आपको लाइव क्लास लेनी है। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका? आपको लाइव क्लास लेनी है, लाइव क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी में सब कुछ ऐड कर लेना है,
एनसीईआरटी में सब कुछ ऐड कर लेंगे और एनसीईआरटी मेरा जब तैयार हो जाएगा ठीक। अब इसके बाद क्या, एनसीईआरटी के बाद मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया मैंने एनसीईआरटी में, ये दोनों एडिशन मिलके मेरा बन जाएगा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, जिसको मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कहता हूं। ये जो है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपके रिवीजन के टाइम पे भी काम करेगा ठीक है। और ये पूरा फिर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, ये पैकेज आपका हो गया, एक बार समझ में जो चीज आ गया वो खत्म हो गया बात ठीक। अब एक मैं बहुत ब्लंट सी बात बोलूंगा, सर आप तो रट्टू तोता बता रहे हो, जो चीज समझ नहीं आ रहा उसको रट जाओ, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कि बहुत कॉन्सेप्ट समझने का ठीक है। जो चीज अगर समझ में नहीं आता उसको रट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई तो मन बुद्धि नहीं हो जाओगे या कुछ नहीं हो जाओगे, बता रहे अभी अभी कॉम्पिटिशन है, वी विल सी वन थिंग एट ए टाइम ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट कॉलेज पूरा कॉलेज पढ़ा है कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए, कोशिश करो समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसमें ठीक है, उसको रट जाओ ठीक। ये सब सलाह देखो बच्चों मैंने जो फॉलो किया है, मतलब आई हैड ए वेरी डेवेस्टेटिंग टाइम क्लास 11 से 12 का जो ट्रांजिशन था ठीक है, मुझे बहुत घमंड हो गया था कि मैं बहुत स्मार्ट वगैरह वगैरह, और 12th के प्री बोर्ड में मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, बट उस प्री बोर्ड से बोर्ड तक के टाइम तक में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और मेरा ये रैंक आया था। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज सॉल्यूशन, हर चीज जो नहीं आता उसको याद कर दो। देखो फिजिक्स में ये लग्जरी आपको नहीं है, बट बायो में याद करके काम चल जाएगा, कोई बुराई नहीं है रटने में ठीक है। और किसी भी निमोनिक्स का इस्तेमाल मत करना, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो ठीक है, जरूरत नहीं है तुम लोग को अभी निमोनिक्स को याद करने के ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका एक एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनेगा, इस तरह से आप एक एनसीईआरटी का प्रॉपर सा नोट बना लेंगे और इस तरह का आप ये सब स्टेप से फॉलो करो बच्चों। आपको बायो में अगर 360 में 360 नहीं आया तो बोलना मुझे ठीक है, मेरे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट तुम देख लो, अगर उससे एक क्वेश्चन बाहर दिखा दो पिछले 3 साल का, इनफैक्ट एक ऑप्शन बाहर दिखा देना आंसर हो ना हो पिछले 3 साल में, तो मैं मान जाऊंगा, तभी मैं इतना कन्विक्शन से कहता हूं कि मैं आपके बायो में 360 में 360 ला के दूंगा बच्चों। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, बट आप लेक्चर शेड्यूल फॉलो करो। देखो अल्टीमेटली पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता सकता हूं ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी, अब देखो जैसे मेरा ग्लिम्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम, जैसे मैंने बताया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल का, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूब्यूल का मैंने बता दिया ना, इट इज लाइंड बाय देखो कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बताए थे, बियरिंग अ ब्रश बॉर्डर टॉल माइक्रोविलाई एट इट्स फ्री एंड्स विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये लाइन मेरा बनाया नहीं है, ये एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन मैंने उठा के डाल दिया, क्या किया है बस पॉइंट वाइज बुलेट्स में डाल दिया है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब डिसेंडिंग लूप में दिया नहीं था कि डिसेंडिंग लूप में किसका बना होता था, तो कैसे बनाया, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथीलियम का यहां बनाया, और यहां क्या बनाया, यहां क्यूबॉइडल एपिथीलियम का बनाया और यहां पे क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथीलियम का बनाया, तो जो थिन पार्ट है वो वैसे, तो वैसे करके एकदम इलस्ट्रेट करके एक टेबल बना लो बच्चों, तो आपको बहुत जल्दी आसानी होगा कोई भी टॉपिक पढ़ने में, बहुत इजीली आप उसको फोकस करके पढ़ सकते हो। अगला, अब देखो यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में फिर ऐसे क्या क्या कर रहा है भाई कलेक्टिंग डक्ट में, तो प्रॉब्लम कहां कहां क्या क्या चीज का रीअब्सॉर्प्शन होगा, पॉइंट वाइज यूरिन हाइपरटोनिक होगा, ये कहां पे भाई क्वेश्चन आया होगा कहीं पे और वो मैंने देखा होगा और एज इट इज वो वर्ड उठा के यहां डाल दिया, तो इस तरह से आपको बन जाएगा। ट्यूबुलर सीक्रेशन किसका किसका क्या होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है किस किस चीज का एग्जैक्टली होता है, बस दिया हुआ है ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, तो हमें पूरा जानना है किस चीज का ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लूप ऑफ हेनले में क्या चीज हो रहा है, तो ये सब चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मिलता है, देखो प्रॉपरली कैसे कैसे, जैसे आप मेरा बोमेंस कैप्सूल 3 लेयर का बना था, एंडोथीलियम बेसमेंट लेयर और एपिथीलियम, एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, तो वैसे मेलफिजियन कॉर्पसल कैसा काम कर रहा है, फिर आप जैसे 2 तरह का यूरिन होगा, डाइल्यूट यूरिन कब बन रहा है, तो कैसे हो रहा है कि कौन फिगर है, फिगर अभी डायग्राम मैंने दिया नहीं है, तो इस तरह से आपका पॉइंट वाइज बच्चों देखो देखो कितना अच्छा सा डीसीटी इंपर्मिएबल हो जाएगा, पहला स्टेप ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ऐसे पॉइंट वाइज आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको मैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कहता हूं। तो आपको ऐसे सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आता हूं। क्या है प्लस प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं अभी उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूं, यूट्यूब पे मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं सुबह
कलर। YouTube पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं सुबह 9 to 11 AM, ठीक है। अब ये 9 to 11 AM सोचो आपका फ्री प्लेटफॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 9 से 11 बजे का आप अलार्म लगा लो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका चल रहा है, क्लास 11 और क्लास 12 के बायो का सारा चैप्टर मैं कवर कराऊंगा, गारंटी ले रहा हूं। और ऐसा कवर नहीं कराऊंगा, ऐसा कवर कराऊंगी कि आपका सारा सवाल बनेगा, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, अभी पहले आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाते थे तो मुझे लगा कि ये ठीक बात नहीं है, तो मैंने 9 to 10 AM जो है ये आपके एक कोर्स के लिए रख दिया जो पढ़ाऊंगा मैं, और इसी का तभी के तभी टेस्ट हो जाएगा आपको, तभी सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। देखना क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारा क्वेश्चन बनेगा, और 10 to 11 AM हम लोग क्विज करेंगे। तो रोज के आप सोच लो अगर एक घंटे की क्लास है तो 30 to 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, रोज के 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं आपके पूरे साल में एटलीस्ट नहीं कुछ भी तो 8000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, समझते हो आप, बायो के 8000 क्वेश्चन बेयर मिनिमम। ये नंबर अगर आप लोग साथ देते हैं, आप लोग स्पीड बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो ये नंबर जो है 8000 से मैं 12000 भी करा दूंगा। तो मैं आपके क्लास में 12000 इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मतलब इनफैक्ट मैं सारे क्वेश्चन जितने प्रोबेबल क्वेश्चन है वो सब कवर कर लूंगा। तो कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप बस ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट प्रॉपर बना लोगे आपको काम हो जाएगा। तो ये आपके फ्री प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे हम, ठीक है। देखो फ्री प्लेटफॉर्म के थोड़े तो ड्रॉबैक्स हुए, पहला कि हम लोग क्राउड मॉनिटर नहीं कर पाते, अब क्या है कि सारे बच्चे अच्छे नहीं आते, प्लस जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता नहीं यार, तो बच्चों को समझाओ, हर बच्चे का दिमाग का क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, तो ये एक दिक्कत आती है। बट उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे है, अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। पहले तो एक काम करो, पहले जो ये अनअकैडमी प्लस से जाने से पहले ये टेलीग्राम ऐप है हमारा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना, ये टेलीग्राम गूगल प्ले पे जाना, गूगल प्ले पे एक टेलीग्राम ऐप होता है इसको इंस्टॉल करना, और यहां पे आपको नीट प्लेसिबो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलने जाएंगे कब हमारा कौन सा लेक्चर हो रहा है, सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, प्लस आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो कॉन्टेंट है ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा। अच्छा दूसरे मैं एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं, इसका नाम है अनअकैडमी प्लस। क्या नाम है? अनअकैडमी प्लस। इस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। यहां पे आपको मैं पूरे साल बायो पढ़ा रहा हूं नीट 2020 के लिए, वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलेगा यहां पे आपको, यहां पे आपको मेरा एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट जिसका अभी आपने ग्लिम्स देखा ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मिलेगा, यहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के साथ इलस्ट्रेटेड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यहां पे आपको वीकली क्विज और डाउट सेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए था नीट करने के लिए बायो में, लेक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है, प्लस क्या चाहिए था आपको, एनसीईआरटी एक्स्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। तो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों यहां पे, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको एक प्लस प्लेटफॉर्म पे वन स्टॉप स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। सपोज मान लो मेरा लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है, फोर्थ लेक्चर के बाद आपका लेक्चर 5 टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पूरा सीक्वेंस का पूरे साल का कोर्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, पूरे डिटेल कोर्स, मतलब कि आपको ना कोई किताब खरीदना ना कुछ करना, सब कुछ क्लास में ही हो रहा है। लेक्चर डिस्कस भी कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं, टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट का आंसर सॉल्यूशन सब आपको मिल जा रहा है इस प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बहुत कम नॉमिनल प्राइस पे। यहां पे आपको देखो सारे एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा यहां पे, मेरे जैसे 30+ एडुकेटर्स पढ़ाएंगे यहां पे मेरे जैसे 30+ एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। अब सोचो कितने इंस्टीट्यूट में जानते हो जहां पे डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट बताओ जहां पे एक्चुअल एमबीबीएस डॉक्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, कोई अगर बच्चा है यहां पे जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट में कोई डॉक्टर पढ़ा रहा है, कितने इंस्टीट्यूट जानते हो जहां पे IITians है, IITians अच्छे IIT रुड़की से, हमारे रोहित माधव सर जो है अभी IIT रुड़की के हैं। तो वैसे आपको वैसे एमिनेंट टीचर्स, आप किसी भी टीचर का नाम यहां गूगल कर लो, एकदम वैसे एमिनेंट टीचर्स आपको यहां पे मिल रहे हैं इस प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और 30+ एजुकेटर। और इसमें ये सबसे बड़ा फायदा बच्चों, सपोज मान लो ड्रॉपर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मुझे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से आता था भाई, मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास नहीं करनी, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के तरह नहीं है कि अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास नहीं करनी
तो आप क्या है कि मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेट करोगे पूरे क्लास खत्म होने का, फिर सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ पे आपको क्या है कि भाई आपको नहीं पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो कौन पढ़ा रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मैं उसका कोर्स ही नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं इसका कोर्स नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बायो का, तो मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा। मुझे पढ़ना है कुछ और तो मैं उसका पढ़ लूंगा। प्लस दूसरा क्या फायदा होता है, सपोज मान लो तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, मैं निहायत ही घटिया टीचर हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या भाई सेम कोर्स देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम सर पढ़ा रहे हैं, फिर ये सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग अलग एडुकेटर्स हैं, और ऐसा नहीं कोई एडुकेटर खराब है, ये ट्यूनिंग की बात होती है, कभी किसी को मेरा बात समझ में आ जाएगा, कभी किसी को मेरा बात समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में ऋतु मैम पढ़ाती है, तो वैसे ही, तो अब ये ट्यूनिंग की बात है, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ लो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, और इससे आप टॉपिक वाइज भी बाइफरकेट कर लो। अब देखो हर टीचर का हर टॉपिक अच्छा नहीं हो सकता, मान लो मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा है, मान लो मेरा मुझे प्लांट किंगडम नहीं आता, तो क्यों मुझसे प्लांट किंगडम पढ़ोगे, मत पढ़ो मुझसे प्लांट किंगडम, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम अपना टॉपिक बाइफरकेट कर सकते हैं बच्चों। आगे तो आपको इसी तरह के ये कोर्स आपको देखो, अब ये कोर्स आपका लेक्चर ऐसा होता है देखो 1 2 3 4, तो ऐसे आपका कोर्स का शेड्यूल होगा। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन पे आपको जो पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। आपको कौन सा प्लान लेना है बच्चों, आपको लेना है 1 ईयर प्लान, आपको लेना है बच्चों 1 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान क्यों लेना है आपको 1 ईयर प्लान, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम मई में है, तो आपके किसी ये प्लान आपके काम नहीं आएगा, ये प्लान आपके काम नहीं आएगा, ये प्लान आपके काम नहीं आएगा, ये सारा 1 ईयर प्लान आप ले लो बच्चों। 1 ईयर प्लान प्राइस है आपकी 2000 रुपीज पर मंथ अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वेलेंट टू 25,000 रुपए पूरे साल का। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो 25,000 में आपको पूरे साल पढ़ाता है और इतने क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। बट इसमें भी क्या अच्छा बच्चों, इसमें भी आपको 25,000 पे नहीं करने, आपको पे करने हैं सिर्फ 22,500 रुपए, 22,500 रुपीज। क्या करना है आपको, यहां देख लो लिखा हुआ बड़ा बड़ा आनंद लाइव, आप ये कूपन को डाल के अप्लाई कर देना, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो आपका प्राइस हो जाएगा वो 22,500 रुपीज हो जाएगा। तो जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, यहां कूपन कोड अप्लाइड हो जाएगा, और यहां जो प्राइस है आपका 22,500 रुपए हो जाएगा, या 22,500 रुपीज हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप प्लस प्लेटफॉर्म अफोर्ड करो। अगर कोई सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप प्लस प्लेटफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़े मेहनत हम लोग करेंगे, क्लासेस रेगुलर देखो, बट पॉइंट एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम बायो की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूं आपको, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बायो में फुल मार्क्स लाएं बच्चों। ठीक है, मेरे कम से कम 50 बच्चे तो ऐसे हों जो बायो में 50 में 50 360 में 360 लाएं, तो ये चीज मुझे 100% चाहिए, आप लोग से कमिटमेंट। एक साल मुझे दे दो, रेगुलर लेक्चर्स करो और देखो आपका क्या होता है। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, करते रहो क्लास, जितना कंटेंट बता रहे बस उतना कंटेंट आप लिखते जाओ, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, दिमाग घर पे छोड़ के आ जाओ। बट जब क्लास करो तो कॉपी कलम लेके क्लास करो, एक सीक्वेंस पे क्लास करो और देखो आपको उसका क्या फायदा मिलता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, मेरी गारंटी है। समझ आए नहीं आए लेकिन सवाल आपसे सारे बनेंगे, क्योंकि जो जो मैं एक एक स्टेटमेंट बोलता हूं ना, किसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चों आपको पढ़ना है। और आप लोग मुझे मैसेज कीजिए बच्चों, आप लोग मुझे यहां मैसेज कीजिए unacademy.com/user/anandsir01, कोई भी मदद चाहिए, मैं पूरे साल आपके पास हूं यहां पे, आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप क्या करोगे unacademy.com/user/anandsir01 पे मुझे मैसेज करो, और ये फ्री है, टेंशन मत लो, नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी प्लेटफॉर्म फ्री है और मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। मुझे कोई मैसेज किया था बच्चों ने कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़े बायो के लिए, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया, तो पेडिग्री के लिए बोला था मैंने पेडिग्री का वीडियो बनाया। तो जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा आप मैसेज करो, मेजोरिटी अगर मैसेज आपके पास आएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा बच्चे। ठीक है, और चलो आपके लिए एक और ऑफर भी है बच्चों, अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा मेहनत तुम भी करो, जब मैंने इतनी मेहनत की है, तो अगर इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक चले जाते हैं तो मैं अगले 3 चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आपके टेलीग्राम ऐप पे पब्लिश कर दूंगा, पूरा कोर्स पूरा टेलीग्राम ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं 3 चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मेहनत करो, इसको शेयर करो वीडियो को और लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीडियो तो शेयर लाइक ये तो मैंने मजाक में बोल दिया, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपके बायो में 360 में 360 आ जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। मुझे याद रखोगे बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मतलब एक याद रखो कि भाई आनंद सर थे, आनंद सर ने बोला था और ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों,
चलो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो 200 प्लस लाइक पे। मैं अगले 3 चैप्टर का ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, तीनों चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम ऐप पे। तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, बट ये तब होगा जब 200 लाइक्स आएंगे। तो कल ये ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यहां पे। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और मन लगा के पढ़िए बच्चों, मन लगा के पढ़िए। आपका देखो नीट में सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी, बस आप मन लगा के पढ़ो। चलो बच्चों टेक केयर।